नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे थाईलैंड के आज के व्लॉग में। और आज हम हैं सफारी वर्ल्ड। बैंकॉक का एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन लोकेशन है, तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। जहां पर एंट्रेंस है यहां पर हमें टिकट नहीं लेनी पड़ी, ये ऑलरेडी हमारे पैकेज में है, इसलिए हमें सीधा एंटर कर जाना है। और ये देखिए इतनी भीड़, और इंडिया से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब विदेश में आप अपने ही देश के लोगों से मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स, बर्ड्स, सी लायंस एंड ओरैंगटन्स सबसे मिलने की बारी है। इनकी चहचहाट के बीच में जरा देखिए, ये है सेंटर ऑफ दिस प्लेस। यहाँ से एक राउंड लगाते हैं और यहाँ से कहीं पर भी आपको जाना है तो ये आपका सेंटर है। इधर से लेफ्ट राइट सारी हिस्सों में आप घूमने जा सकते हैं। यात्रियों के सुविधा के लिए यहाँ पर देखिए कैसे स्प्रे हो रही है पानी की। यहाँ पर आ गए हम एक बड़े से कैफे में। ये कैफे अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी खूबसूरत तरीके से ये सजाया हुआ है, यही देखने लायक है। क्योंकि हम यहाँ पर 11 बजे पहुँचे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं देखने को मिलेगी, है लेकिन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि लेट हो चुका है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें जो एकदम हाइलाइटेड हैं, जो यहाँ की स्पेशल अट्रैक्शंस हैं, हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और फटाफट सबसे पहले हम चलेंगे, लंच कर लेते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है कि यहाँ पर कम से कम भी 3000 लोग एक साथ इकट्ठे बैठ करके खा सकते हैं। और मुझे अच्छा तब लगता है जब विदेशों में जब हम जाते हैं और हमें इंडियन फूड खाने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये इतनी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है और कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड एसी है। और खाना देखिए, ये पूरी सब्जी सलाद। आप इसके अलावा अगर आपको और कुछ मिल रहा हो बुफे में तो उसे बिल्कुल भी अपने प्लेट में ना डालें बिना पूछे, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, लिटरली कुछ भी। चलिए डॉल्फिन शो देखने चलते हैं, क्योंकि खाना अब हम खा लिए, आराम से बैठ करके हम डॉल्फिन को नाचते कूदते खेलते देखेंगे। इतनी बड़ी ये थिएटर है, इसमें सारे स्कूल के बच्चे, बाहर से जितने भी लोग आए सभी का ये इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार करते करते ये जो दो लोग यहाँ पर खड़े हैं, दे आर दी होस्ट फॉर टुडेज प्रोग्राम। हम जो यहाँ पर बैठे हैं डॉल्फिन का शो जो होगा, दे इज आर द एंकर्स, वेलकम कर रहे हैं और हमें नमस्ते करते हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग आए हैं इसीलिए उन सारे लोगों का अभिवादन नमस्ते से करते हैं और हिमेश भाई का एक ज़बरदस्त गाना लगा करके करते हैं। तो यस, माहौल झूम उठा है और अब देखिए किस तरीके से डॉल्फिन कितना मस्ती से खेलेंगे और इन्हें देख करके एक अलग ही आनंद आता है। देखिए कितनी खूबसूरती से, वाओ दैट वाज रियली ऑसम। ये जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन मज़ा तब आता है जब ये जो लोग, जो ट्रेनर हैं, जो मछलियों के साथ ये कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं, वो हमें अलाउ करेंगे कि हम भी इन डॉल्फिन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, 500 वाट के अराउंड चार्जेस होते हैं। अब हम पर्सनल मीट कर लेते हैं। नो एक्साइटेड, व्हाई? कैमरा हरो, माय फ्रेंड लुक एट द कैमरा हरो, प्लीज प्लीज। दोस्तों इनको छू लेने के बाद, इनसे गले लगने के बाद तो एक ही अलग ही आनंद है। हेलो कैमरा, माय फ्रेंड।
और उसके बाद कई एक ऐसे सारे अट्रैक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर ओरंगटॉन के साथ आप पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये कई सौ साल पुराने कछुए हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। इन्हें देखने से ही लगता है कि भैया बहुत सालों से ये ऐसे ही धीरे धीरे चल के कहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए अब हम आ गए हैं सी लायन का शो देखने के लिए, लेकिन ये सी लायन का शो काफ़ी समय तक चलेगा और हमें पूरा ये पार्क घूमना है, तो इसीलिए आगे बढ़ जाना ही सही है। वल्ला हबीबी, ये देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं ऊंटों के इस गार्डन में। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आप खाना खरीद करके इन्हें अपने हाथों से खिला सकते हैं। तो आपने 50 बाट दिया, खाना खरीदा और आप पहुँच गए इन्हें खाना खिलाने के लिए, और ये इंतज़ार ही कर रहे थे कि कोई लेकर के आए और हम खाना खाएं। ये एक अलग अनुभव है कि ऊँटों को भी खाना खिलाया जाता है। यह है स्पाई वॉर। जी हाँ फ्रेंड्स, स्पाई वॉर में आप जरूर 10 मिनट तो एटलीस्ट बिताएं ताकि आपको पता चले कि लाइव परफॉर्मेंस क्या होती है। ये एक ऐसा शो है दोस्तों, जैसे आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में अगर देखी होंगी तो जेम्स बॉन्ड की जो पुरानी फिल्में होती थी, किस तरीके से उसमें एक्टर एक्ट्रेस और किस तरीके से उसमें विलियन और किस तरीके से उसमें म्यूजिक हुआ करते थे, वो सारी चीज़ लाइव परफॉर्म करेंगे बिना टेक के। मतलब एक बार शुरू करेंगे फिल्म तो ये अंत तक वो पूरी फिल्म, ये पूरा सेट जो बना हुआ है इसके ऊपर ये पूरा परफॉर्मेंस करेंगे ये कलाकार। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे प्ले को डिज़ाइन किया है और एक्ट किया है। एकदम आपको लगेगा जैसे आप सामने जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख रहे हैं। तो ये सब एक्सपीरियंसेस जो है फ्रेंड्स, इन्हें ज़रूर देखना चाहिए। हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक दिन में यहाँ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। और बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे जानवर हैं जो हम इंडिया में नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कैंगरू है, इन्हें दौड़ता हुआ कूदता हुआ देखते हैं। ये हम तो सिर्फ सॉफ्ट टॉयज में ही देखे हैं, इन्हें ओरिजिनल में आज देखने का मौका मिला। और ये देखिए दोस्तों, हम आ गए फ्लेमिंगो। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, लेकिन फ्लेमिंगो को इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये भी एक अलग प्रजाति है जो यहाँ पर बहुत ही संजो करके रखी गई है। और फिर हम निकल पड़े सफारी देखने के लिए। कार के अंदर बैठे हों और आपके आसपास जानवर खुले घूम रहे हों तो आपको लगता है कि आप पिंजरे में कैद हैं और ये खुला घूम रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें देखने लायक हैं, और अपने फैमिली के साथ अगर आप आएँ तो आप यहाँ ज़रूर एक दिन बिताएं। ये एक यादगार पल होगा आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए थाईलैंड में। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।